गुड मॉर्निंग बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग गद्य खंड का तीसरा लेसन पढ़ेंगे। तो तीसरा लेसन अशोक का फूल है और इसके लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। सबसे पहले हम इनके जीवन परिचय को जान लेंगे। द्विवेदी युग के महान साधक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के अंतर्गत दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। इनके पिताजी एक सरजूपारी ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम पंडित अनमोल दुबे था, जो संस्कृत और ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे। पारिवारिक परंपरा के अनुसार द्विवेदी जी की शिक्षा का प्रारंभ संस्कृत से हुआ था। सन 1930 ईस्वी में काशी विश्वविद्यालय से इन्होंने ज्योतिषाचार की परीक्षा उत्तीर्ण की और एक अध्यापक के रूप में शांतिनिकेतन चले गए। सन 1940 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक वहाँ इन्होंने हिंदी भवन के निदेशक के रूप में कार्य किया। इनके बाद रविन्द्रनाथ ठाकुर के संपर्क में आने पर ये साहित्य साधना की ओर उन्मुख हो गए। सन 1950 ईस्वी में आप काशी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए। सन 1960 से 1966 ईस्वी तक ये पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष रहे। द्विवेदी जी ने कई वर्षों तक उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी ग्रंथ अकादमी नामक संस्था के अध्यक्ष पद पर भी कार्य किया। इस प्रकार साहित्य सृजन करते हुए हिंदी साहित्य का यह अमर सपूत सन 1979 ईस्वी में हमेशा के लिए चिर निद्रा में सो गया। बच्चों, इनकी रचनाएं दी गई हैं। द्विवेदी जी एक प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। इनके ऐतिहासिक ग्रंथ हैं हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, निबंध में कुटच, विचार प्रवाह, अशोक के फूल, कल्पलता, आलोक पर्व, विचार और वितर्क आदि हैं। उपन्यास में बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, इस प्रकार से ये इनके चार महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। अनुवादात्मक ग्रंथों में प्रबंध चिंतामणि, लाल कनेर, प्रबंध संग्रह आदि हैं। संपादन में संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक, नाथ सिद्धों का बनिया आदि हैं। आलोचना में सूर साहित्य, कालिदास की लालित योजना, सूरदास, कबीरदास, साहित्य साहचर, साहित्य का मर्म आदि हैं। धन्यवाद।